और अगर आपको मेरी तरह मिच्योर कचौड़ी पसंद है तो मिच्योर करके खाइए 12 घंटे बाद। नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को क्लिक करें, बेल आइकॉन ऑन करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फिर से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कचौड़ी की रेसिपी। पिछले बार मैंने आपसे शेयर किया था मूंग के दाल की कचौड़ी की रेसिपी। इस बार मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आलू की कचौड़ी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आलू की कचौड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है। कचौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करना है। डो के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। मेरा कप यहाँ पे 250 ml का है, तो 250 ml के कप से मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। मैदा ऐड करने के बाद हमें लेना है स्वादानुसार नमक, 4 से 5 छोटी चम्मच वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल इसमें ऐड करने के बाद हमें इसमें डालना है 1/4 छोटी चम्मच से भी कम अजवाइन। अजवाइन को हमें क्रश करके डालना। अजवाइन को इसमें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मसल मसल करके मोयन दे देना है। इसे अच्छी तरह से मसल लेने के बाद हमें मैदे को मुट्ठी बांध करके देखना है। अगर ये मुठिया की तरह बन जाती है तो हमारा मोयन लग करके तैयार हो चुका है। एक बार जब हमारा मोयन लग जाए तो हमें आवश्यकता अनुसार रूम टेम्परेचर का पानी लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा मैदे में ऐड करते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है बना करके। बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं उसी कंसिस्टेंसी का हमें डो तैयार करना है। लीजिए दोस्तों, हमारा सॉफ्ट डो बन करके रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का डो हमें चाहिए था, ना ही इससे ज़्यादा कड़ा और ना ही ज़्यादा ढीला चाहिए था। बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का डो बना करके रेडी करना था, जो कि तैयार हो चुका है। अब हमें हमारे डो को रेस्ट देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। इसे हम किचन टॉवल से ढक करके रख देंगे और जब तक हमारा डो रेस्ट करता है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं फिलिंग तैयार कर सकते हैं हमारी कचौड़ी के लिए। मैंने यहाँ चूल्हे पे पहले से ही कढ़ाई चढ़ा करके रखी है। कढ़ाई मेरा पहले से ही गर्म हो चुका है। मैंने इसमें तेल भी ऐड कर दिया है, बस मैं इसे सीजन कर रही हूँ क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है और इसे हमेशा सीजनिंग करना ज़रूरी है। और ऐसा करने से हमारा तेल बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा, जो कि हो चुका है गर्म। अब हमें इसमें डालना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च स्वादानुसार। मैंने यहाँ हरी मिर्च पहले ही डाल दिया है, अगर आपको ध्यान रहे तो सबसे पहले इसमें हींग ऐड करें। मिर्च डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon किसा हुआ अदरक और 1/2 teaspoon क्रश किया हुआ गार्लिक। आप चाहें तो इसकी जगह जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं 1 teaspoon। मसालों को मैंने हल्का भून लिया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर दे रही हूँ मैं यहाँ, और 1/4 छोटी चम्मच काला नमक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, मैंने इसमें हींग नहीं डाला है, तो मैं अभी इसमें ऐड कर दे रही हूँ 3 चुटकी के करीब हींग। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है 3 medium size के उबले हुए आलू। इसे हमें मैश करते हुए डालना है। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे के सारे आलूओं को मैश करके डाल दिया है मसाले में। अब हमें इसे जल्दी से चला लेना है ताकि नीचे से हमारा मसाला जले नहीं। सारे मसाले को मैंने आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/2 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे ऐड करने के बाद हमें इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, सी सॉल्ट, और इसे ऐड करते वक्त ध्यान रखिए कि हमने पहले भी इसमें काला नमक डाल रखा है जो कि काफ़ी सॉल्टी होता है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स करते जाना है।
लीजिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को अच्छी तरह से जितना हो सकता था उतना मैश करते हुए मिक्स कर लिया है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। लीजिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और मैंने हमारे डो को बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। उसमें से मैं एक लोई निकाल ले रही हूँ और लोई को मैं अच्छे से गोल कर लूँगी। लोई को गोल कर लेने के बाद हमें इसे उंगली की मदद से फैलाते जाना है। अगर आप नहीं फैलाना चाहते उंगली से तो आप इसे बेल भी सकते हैं। लोई को अच्छी तरह से फैला लेने के बाद हमें लोई के बीच में हमारा मसाला रख देना है और मसाले को हम लोई से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे चारों तरफ से। कचौड़ी को पैक कर लेने के बाद हमें कचौड़ी को इसका शेप दे देना है, पर ध्यान रखिए कि हमारी कचौड़ी फटनी नहीं चाहिए और इसमें से कोई भी मसाला बाहर नहीं आना चाहिए। और कचौड़ी को इसका शेप दे देने के बाद हम हल्के हाथ से इसके बीच में दाब दे देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है इसे, बस हल्का सा ही दबाएँ। और ठीक इसी तरह हम सारी की सारी कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने सारी कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर ली हैं और तेल मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे गरम होने को। तेल हमारा हल्का गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम तेल हमें नहीं चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी सारी की सारी कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ इसमें डाल लेने के बाद हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पर तल लेना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के, सुनहरे कलर के नहीं हो जाते तब तक हमें इसे तलना है। लीजिए दोस्तों, सारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। कचौड़ियों का कलर बहुत ही प्यारा आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से 3 कचौड़ी बहुत अच्छी फूल करके तैयार हुई है और चौथी कचौड़ी उतनी अच्छे से नहीं फूली है क्योंकि इसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दबा दिया। इसलिए इसे जब दबा रहे हों आप तो ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा ना दबाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो ये बीच से चिपक जाएगा और नहीं फूल पाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी कचौड़ी। कचौड़ी को आप ताज़ा ही खा सकते हैं। अगर आपको क्रिस्पी कचौड़ी पसंद है तो, मुझे मैच्योर कचौड़ी ज़्यादा पसंद है, पर ये आलू की कचौड़ी है इसीलिए अगर आप इसे 12 घंटे तक मैच्योर करते हैं तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि आलू थोड़ा गीला होता है। दाल की कचौड़ी की तरह ये खस्ता नहीं रहता है, हल्का सा गीला रहता है अंदर से, पर ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आप क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो क्रिस्पी खाइए, और अगर आपको मेरी तरह मैच्योर कचौड़ी पसंद है तो मैच्योर करके खाइए 12 घंटे बाद। इसी तरह घर पर आलू की कचौड़ियाँ बनाइए और छोले के साथ, तीखी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ और तली हुई हरी मिर्च के साथ इसे सर्व करें और खाएं। और मुझे बताइए कि आपको आलू की कचौड़ी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।